नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो हमारा रहने वाला है एक लोकल नेकबैंड के बारे में। जी हां दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर किया है जो कि 1000 रुपये तक का, जो मुझे सबसे ज़्यादा ओवर रेटेड वाला एक नेकबैंड यही दिखा, जिसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा बाय भी है। तो ये चीज़ें जो आपको लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि जो फ्लिपकार्ट पहले जो करता था कुछ डब्बे में कुछ से कुछ डाल के भेज देने वाला काम, वो तो अभी नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोकल सपोर्ट होते हैं जैसे कि MI वगैरह का भी सेम इसी रेंज में थोड़ा सा 100-200 रुपये ज़्यादा करके आता तो है, लेकिन उसकी रेटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इसकी रेटिंग है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसको जो अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो सो हमारे 845 रुपये का आया है और इसको मैंने फटाफट से ओपन कर लिया ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और आजकल सभी की जो पैकिंग है वो पन्नी वाला हट करके कागज़ वाला आ गया है। बस दिक्कत ये है कि भाई कभी अब बरसात वरसात के टाइम पे अगर डिलीवरी हुई ना और गीला वीला हो गया तो चक्कर लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो सो मैंने बॉक्स को कर लिया ओपन और ये है हमारे पास में ये 854 रुपये। हाँ, 854 रुपये का ये आया था हमारा इनवॉइस। और अंदर में जो सो इसको जो सो लपेटा हुआ है इस तरीके से, तो जस्ट हम इसको जो ओपन कर ले रहे हैं। पूरा का पूरा सारा मामला जो आपके सामने ही हो रहा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग सभी को, जो सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर जो है सो आप ज़रूर ज़रूर से उसको जो है सो आप एक बार कैमरे के सामने में ही ओपन करें। अगर कैमरे के सामने ओपन नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलिंग है, गेम मोड है, IPX, वाटर प्रूफिंग है, वॉइस असिस्टेंट है, मैग्नेटिक जो अपने आप से बंद हो जाते हैं, क्विक पेयरिंग हो गया, डीप बेस है, टाइप सी इंटरफेस है, फास्ट चार्जिंग है, 300 MHz का बैटरी है और 40 आवर की प्लेबैक है, कैप करके है और ONC। आप देख सकते हैं ये जो सो एक तरीके का जो कॉपी लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, यह वन प्लस वाला कॉपी लग रहा है। पहले का पैकिंग इसी तरीके से वन प्लस का होता था। देख सकते हैं ये भी थोड़ा बहुत जो सो दिखने में वन प्लस और रियलमी का मिलता जुलता है। जो ईयरबड्स है वो रियलमी का है और नेकबैंड जो है सो वन प्लस वाला कॉपी किया हुआ है। तो इसको मैं फटाफट से ओपन कर ले रहा हूँ। और वैसे देखो पैकिंग तो मुझे लोकल वाली ही लग रही है क्योंकि अंदर से जो कुछ चीज़ें हिल रही है, तो इस सबको हम जो है रखते हैं साइड। और यार ये तो ओपन लग रहा है मुझे, ये चिपका हुआ भी नहीं लग रहा है ढंग से, देख रहे हो ये ओपन लग रहा है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ओपन है, मतलब सील जो है इसकी ओपन लग रही है। फिर भी स्टिल हम इसको जो सो ओपन करके देखते हैं कि क्या मामला है, अंदर कुछ पैकिंग ज़बरदस्त है या फिर ऐसे ही रख दी है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है और ठीक है, नेकबैंड तो हिल रहा था। और ये देखो ये आ गया हमारा नेकबैंड, ये हमारा नेकबैंड है इस तरीके से। इस पैकिंग में आप देख सकते हैं ये हमारी नेकबैंड की पैकिंग है जो कि काफ़ी लोकल लग रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टडी नहीं है। एक छोटा सा यूजर मैनुअल गाइड है जिसके अंदर में आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, ठीक है, जिस पे टप्पा वप्पा नहीं लगा है, फिलहाल लगवाना था अगर दुकान से लेते तो। और कुछ ये सारी चीज़ें जो सो इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड में। कुछ जो सो आपको ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं अलग अलग चेंजेबल चेंज करने के लिए साइज में, डिफरेंट साइज का ईयर टिप्स हो गया। और ये हमारे पास में पूरा का पूरा ओवरऑल में ये है। चलिए इसको जो सो जस्ट हम निकाल रहे हैं। मैग्नेट बहुत ही नॉर्मल सी मैग्नेट है, उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे जो सो आपको वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, प्लस माइनस पाउच और टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कोई यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं लिखी हुई थी बॉक्स पे भाई, तो फास्ट चार्जिंग आई डोंट थिंक कि है इसमें। तो चलिए अभी जो सो जस्ट हम इसको एक बार चेक कर ले रहे हैं कि कैसा ये साउंड क्वालिटी कैसा है। और 2-4 दिन में इसको पूरा अच्छे से रिव्यू करूँगा, चेक करूँगा एंड देन उसके बाद में आपको जो सो इसके आगे का सारा आपको बताने वाला हूँ। तो इसको हम जो ऑन ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए जो आपको यही पावर बटन इसी को ही प्रेस करके रखना होगा। कुछ लाइट वाइट तो जल नहीं रही है, ओके लेट मी सी। पावर ऑन एंड पेयरिंग मोड में आ चुका है। और अभी हम इसको जो सो पेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन से, देखते हैं इसमें जो सो क्या नाम से आता है वो कैप प्रो प्लस, ठीक है।
कम से कम ये तो है कि कंपनी ने अपना जो है सो कार्ड के अंदर में अपना नाम डलवाया है, तो कैप रोड प्लस आ गया और 90+, और ऑडियो जो है सो हाई क्वालिटी AAC टैंक में जा रहा है, AAC का आपको जो है सो मिल जाता है। तो और बाकी कुछ बेस वेस हम चेक कर लेते हैं। लेट मी लिसन हनी सिंह सॉन्ग, नया लेटेस्ट जो भी आया है। अगर ये रहा, इनिशियल इम्प्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो देखो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, और जो क्लियरिटी है, वॉइस क्लियरिटी है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बेस ज़्यादा है, बेस और ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा लाउड किया हुआ है। तो आप अगर फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको जो ट्रैवल ज़्यादा मिलेगा और वॉइस क्लियरिटी बहुत ही कम मिलेगा। अभी इसको हम प्ले एंड पॉज चेक कर लेते हैं मैग्नेट वाला। तो ये मैंने इसको ये पॉज नहीं होता है इसको लगने पे, ये जस्ट जो है सो आपको इस तरीके से, और ये ऐसे रखते ही खुल भी जाता है। देखो इतनी ज़्यादा वो पावरफुल नहीं है कि ये चिपका हुआ रहे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये रेटिंग जो है सो जस्ट इसके बेस की वजह से इसको मिला है। स्ट्रैप की क्वालिटी ओके है, प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है, कहीं मेटल नहीं यूज़ किया हुआ है। नेक बैंड ठीक है, आपको जो सो कहीं कुछ लगेगा नहीं, लेकिन ये आगे वाला वायर जो है खींचने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सो नॉर्मल प्लास्टिक का है, इसमें थोड़ा सा ब्रेडेड रहता है, ज़्यादा अच्छा होता। सो इसके अंदर में जो लिखा हुआ है 5.2, इसको हम चेक कर लेंगे, 2-4 दिन के बाद मैं आपको पूरी की पूरी इसकी डिटेल रिव्यू मैं दे दूंगा ऑडियो क्वालिटी वगैरह का। लेकिन इनिशियल इंप्रेशन में वो दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि रेटिंग था, ठीक है। फिलहाल हम इसको अभी रखते हैं और इस वीडियो का हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों देखो, वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कहीं ना कहीं जो वॉइस क्लियरिटी है वो कंपनी वाले रखते हैं, उसकी बेशक साउंड थोड़ी सी कम होती है, लाउडनेस में थोड़ा कम होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। और जो उसका बेस और ट्रेबल का जो एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बना हुआ होता है, इसके बैलेंस नहीं है। ट्रेबल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेस, और बेस जो है सो धमक वाली बेस है, ठीक है। वो जो सो एक होता है ना, मतलब कि एक देखो स्कल कैंडी का बेस एक अलग ही आता है, मतलब जो कंपनी होती है, लेकिन इसका बेस वैसा नहीं है। काशिर तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो करिए लाइक से कमेंट जी, और इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, और आप अपना ख्याल जरूर रखें।